सब संतन की है। उमापति महादेव की है। मंगलाचरण परम सत्य का स्मरण करते हैं भगवान शंकर। रमण महर्षि ने कहा, भगवान की स्मृति का क्या मतलब है? भगवान स्मृति का विषय नहीं हो सकते, तो स्मृति का मतलब क्या है? बोलते हैं, तस्य स्मृति ही तत्र दृढ़ैव निष्ठा। जो अपरोक्ष प्रभु है उसकी स्मृति का अर्थ होता है उसी में अवस्थान होना, उसी में निष्ठा में रहना। तो शिव जी ने अपनी स्वरूप स्थिति का एक बार केवल उद्बोधन किया, एक बार केवल उसको चित्त में ले आते हैं। सुनो पार्वती, झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने। ए प्रपंच, जितना भी दृश्य समुदाय है वो जिसकी सत्ता से सच सच लगता है, सत्ता आगंतुक है दुनिया में। जैसे किसी अफसर का चपरासी अकड़ता है तो उसकी जो अकड़ है ना वो उसकी अपनी नहीं है। क्या बोलते हो आप? पीछे से आई है। ऐसे ही दुनिया में चमक दमक जो दिखती है ये दुनिया की नहीं है, मालिक साहब की। झूठ है उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जही जाने जग जाय हिराई, जिस अधिष्ठान सत्ता के ज्ञान से अध्यस्त प्रपंच खो जाता है, बाधित हो जाता है। गिरिजा, वही हमारे प्रभु हैं। जागे जथा सपन भ्रम जाई, उसी सत्ता का बाल रूप मेरा इष्ट है। जब मैं बाल रूप का ध्यान करता हूं तो केवल बालक का ध्यान नहीं करता, वो तो मेरे मन की पसंद है कि उनका रूप बालक वाला अच्छा लगता है, लेकिन जो सत्ता उस बालक रूप में बैठी है वो सत्ता प्रपंच का अधिष्ठान है। वो मेरे ज्ञान से कभी ओझल नहीं होता। रूप देखने पर भी, रूप जिसका है उसका भी ज्ञान बना रहना चाहिए। भगवान शंकर उनका ध्यान करके बोलते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती जी आप धन्य हो, आपने ऐसा प्रश्न किया। राम कथा गंगा की तरह लोक पावन करने वाली है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपको कभी कोई प्रश्न नहीं है। आपको स्मरण होगा याज्ञवल्क्य जी ने भी भरद्वाज जी को यही कहा था, अब शिव जी ने पार्वती जी को यही कहा। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम। चार चीजों का नाम लिया, शोक मोह संदेह भ्रम। मम विचार कछु नाही। विद्यार्थी लोगों को इन चारों शब्दों का अंतर समझना चाहिए, ये चारों एक ही नहीं है। चलो थोड़ा बोलता हूं। मोह शब्द का अर्थ होता है, वैसे तो इसका अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, उल्टी समझ, लेकिन मोह शब्द का एक अर्थ होता है कि उल्टा ज्ञान क्या है कि सच्चाई ये है कि हर चीज बदल रही है और हर चीज जो आई है वो छूटेगी भी, ये एक सच्चाई है।
अभी सच्चाई के विपरीत हमारी इच्छा क्या है कि ये चीज बनी रहे। तो यह जो हमारी इच्छा है कि ये चीज ऐसी ही बनी रहे, यह इच्छा चूंकि सच के विरुद्ध है इसलिए इस इच्छा को मोह बोलते हैं। मेरी जवानी बनी रहे, मेरा स्टेटस बना रहे, मेरा अमुक बना रहे, मेरा अमुक बना रहे। अब ये रोग सब में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई खाली हो। बना रहे, बना रहे, बना रहे। अच्छा, बना रहे ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि बना रहे कहीं बिगड़ न जाए, बना रहे कहीं चला न जाए। तो इसकी वजह से मन में एक आतंक है। देखना आप इसको, मोह के कारण ही जो परिणाम में वृत्ति आई वो आई आशंका, वो आई भय, वो आई आतंक, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बिगड़ न जाए। आप सोच के देख लेना, अगर मोह न हो तो भय के लिए जगह नहीं है। अगर ये इच्छा न हो कि ये बना रहे तो भय के लिए कोई मतलब ही नहीं। लेकिन मोह है, फिर फॉलोड बाय फियर, अप्रिहेंशन, आशंका, आतंक, भय बना रहता है। और फिर प्रकृति के नियम के अनुसार उसको तो जाना ही है, आखिर हमारा शैशव चला गया तो जवानी क्यों रहेगी, उसको भी जाना ही है। तो जब वो चली जाती है तो उसको याद करके जो दुख होता है उसका नाम होता है शोक। ये सो मोह से ट्रेवलिंग हुई, शोक पर जाकर के हम टिके। ये अब अपना जीवन देखिए, दो घेरे में रहता है, मोह से शोक, मोह से शोक, फिर हाँ बताए क्या चाहिए बता दो। मोह से शोक, अच्छा, फिर दो चीजें हैं, संदेह माने होता है अनिर्णय, ये चीज ऐसी है कि ऐसी है, ऐसी है कि ऐसी है। और भ्रम माने होता है उल्टा निर्णय, वहां अनिर्णय नहीं है, वहां निर्णय हो चुका है लेकिन उल्टा। जब तक ये वृत्ति है कि ये रज्जू है कि सांप है, ये रस्सी है कि सांप है, तब तक तो संदेह है। लेकिन एक बार ये भ्रम हो जाए कि नहीं ये तो सांप ही है, तब ये भ्रम हो गया। तो चार चीजें बताई, ये चारों जीवन में कष्ट देने वाली हैं, शोक, मोह, संदेह, भ्रम। पढ़ाने की आदत है तो वो शब्द मुझे पकड़ लेते हैं और फिर उसमें टाइम लगता है, अब क्या करें। लेकिन स्वभावस्तु प्रवर्तत है। मेरा निवेदन यह है कि मानस के शब्द अपनी जगह पर बहुत सोच के आए हुए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। सो चार चीजें आप में नहीं है, शोक नहीं है आप में, मोह नहीं है आप में, संदेह नहीं है आप में, कोई भ्रम भी नहीं है। मेरे विचार से तो ये पक्का है। पार्वती जी, आपने जो प्रश्न किया जगत हित लागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी, ये तो आपने दूसरे जो जगत के साधक हैं उनके हृदय के प्रश्न को उठा करके आपने रख दिया है। पार्वती जी आप धन्य हो।
आपने बीच में एक बात कही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी, कि राम कोई और है। ऐसा जो कहने वाला लोग हैं ना, बोले गोस्वामी जी बहुत नाराज हैं उनके ऊपर, बोले कहीं ते वेद असम्मत वाणी, बोले बिल्कुल अवैधिक वाणी बोलते हैं, जिन्होंने कभी संत सभा नहीं देखी, बहुत नाराज हुए। बोले हालांकि आपने नहीं जानने में ये बात कही, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसी बात मत किया करिए। शिव जी ने एकदम मना किया और फिर बोलते हैं, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। कैसा उत्तर दूंगा? तदपि जथाश्रुत, ध्यान रखना, इन्होंने भी, शिव जी ने भी जथाश्रुत शब्द लिखा। 113वें दोहे के बाद पांचवी पंक्ति है ये, तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी, कही हूं देखि प्रीति अति तोरी। आपका प्रेम देख करके मैं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जैसा मैंने सुना है। लो, शिव जी भी बोलते हैं जैसा मैंने सुना है। ये परंपरा का कितना आदर है। व्यक्ति मूलकत्व का निषेध वो नहीं चाहिए। इति सुश्रुम पूर्वे शाम ये नस्तक व्याच चक्षिरे, वेद में भी ये बात सुनने को मिलती है। इति सुश्रुम, आप ही पहले हो, फिर भी वो बोलते हैं इति सुश्रुम। भगवान बोलते हैं जथाश्रुत, मैं बोलूंगा। और अब जो है उन्होंने उपदेश करना शुरू किया, तो मैं अनुभव करता हूँ कि भागवत जी की जो शैली है ना मानस में, वो देखने को मिलती है। भागवत जी में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो भागवत सुनाई, वो चार श्लोकों में सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को सुनाई, वो पांच अध्याय में सुनाई। देखना आप उसको, वही चतुश्लोकी भागवत का विस्तार हो गया पांच अध्याय में। और फिर आदेश दिया, त्वम एतत् विपुली कुरु, ये मैंने तुमको सुना दिया, अब तुम इसका विस्तार करो। लेकिन विस्तार करते समय मूल बिंदु कभी न छूटे। मूल बिंदु क्या है? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। भगवान के बारे में चार शब्द आए, हरौ भगवती सर्वात्मनि अखिलाधारे। उनमें जिस रीति से लोगों की भक्ति बढ़े, उस भक्ति को बढ़ाने वाला वर्णन होना चाहिए। ऐसे ही केवल वर्णन करने के लिए वर्णन नहीं होना चाहिए, आदेश दिया ब्रह्मा जी ने। इति संकल्प्य वर्णय। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पांच अध्याय में सुनाया, और फिर व्यास जी को नारद जी ने दिया, और व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोक में विपुल किया। मानस में चार चौपाइयों में, पांच चौपाइयों में, मूल रामायण, बीज रामायण, एक अनिह अरूप अनामा हम लोग पढ़ चुके। अब शिव जी महाराज जब पार्वती जी को सुनाते हैं, तो पांच दोहों में सुनाते हैं। ध्यान दें, उसी बात को फिर पांच दोहों में उसका विस्तार करते हैं। और फिर याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया होगा भरद्वाज जी को, फिर सारा रामायण हुआ। तो ये शैली है ग्रंथ के, प्रस्तुति की ये शैली है। बीज, फिर बीज का थोड़ा विस्तार, और फिर उस विस्तार का
बृहद विस्तार, विस्तार में ही खो न जाए आदमी, मूल जानता रहे, इसलिए पहले संक्षेप में बोल दिया गया। ये संक्षेप नहीं समझ में आया, थोड़ा उसका विस्तार कर दिया गया। फिर उस विस्तार को रस लेने के लिए पूरी चौपाइयों में भर दिया गया। सो ये मानस का अब उपदेश जो है वो थोड़ा विस्तृत उपदेश है। हम एक दो दोहा पढ़ते हैं और इसके बाद फिर चर्चा करते हैं इस पर। 115 दोहे के बाद है ये 116वां दोहा, 117, 118, 119, इन चार दोहों में शिवजी का उपदेश है। और 120वें दोहे में पार्वती जी ने उस उपदेश को कैसे समझा, उनको उस उपदेश सुनने के बाद क्या समझ में आया, ये 5वें दोहे में बता दिया। सो ये 5 दोहे में भगवान शंकर और पार्वती अम्बा का संवाद रूप रामायण है पूरा। भागवत जी में 5 अध्याय है, यहां 5 दोहा है। इसको सीखना चाहिए धीरे धीरे, ग्रंथ को प्रभु करें, ग्रंथ समझ में आवे, ग्रंथ हाथ में आ जाए तभी मजा आए। नहीं वो अरण्य की तरह, फिर उसमें तो संस्कृत में एक शब्द आया चित्त भ्रमण कारण, वो नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही गावही मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन यरु अगुन रूप अलख अजोई, प्रेम भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलो ही मल बिल नहीं जैसे, जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा, किम कही अभी मोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवले सा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना, हर
हर्ष विशाल ज्ञान ज्ञान हर्ष विशाल ज्ञान ज्ञान जीव धर्म प्रसिद्ध प्रकाश निधि पुरुष प्रगत परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायव माथ निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि यथा गगन घन पटल निहारी जाप भानु कहीं कुविचारी कितव जो लोचन प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए राम विषय नभतम धूम धूर दिन सोहा विषय करन सुर जीव समेता विषय सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाश जोई प्रकाश प्रकाश राम मायाधीश ज्ञान गुण राम
सत्य काज जड़ माया, बास सत्य इव मोह सहाया, रजत सीप महु वास जिनि, जखा भानु करवारी, जर के वृषाद हूँ काल महु, भ्रमण सकई को उठारी, भ्रमण सकई को उठारी, ए गिर जग हरि आश्र करई, सत्य देत दुखई, जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर बिन जागे न दूरी दुख होई, पायस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, जेही निगा वही देद बुध, दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतरक कई रचना, भई रघुपति पद की प्रकृति, दारुण संभावना बीती, तुम कृपाल सब संसव हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ, चिन्मय विनाशी, सर्व रहित सर्वर पुरवासी, राम ब्रह्म
चिन्मय विनाशी राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सब रहित सब समझाई कहो वृष के तू उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता हर्ष कामारी कब कर सहज सुजा शिष्य की लीला करती हुई जगदम्बा पार्वती अपना अनुभव सुनाती हैं। उपदेश क्या है तो बहुत संक्षेप में ही देखना पड़ेगा। पहली बात शिव जी ने ये कही कि निर्गुण और सगुण में जो अस्तित्व का भेद अगर किसी ने समझा हो तो वो गलत है। वस्तु एक है और वही कभी सगुण रूप से दिखाई देती है और कभी निर्गुण रूप से दिखाई देती है। दिखाई देती है का मतलब जानी जाती है। दो चीजें नहीं हैं, दो अस्तित्व नहीं है कि ये निर्गुण पार्टी के हैं। ये अध्यात्म जो है पार्टी बंदी का नाम नहीं है। ये निर्गुण पार्टी के हैं, ये सगुण पार्टी के। इसके बाद नारा लगाया जाए सो नहीं होता। अगुण ही सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। पहला जो वाक्य भगवान शंकर ने कहा तो उनको शायद ऐसा लगता है कि समाज में ये एक मिथ्या धारणा बन गई है। सो पार्वती जी के बहाने, पार्वती जी को बन गई है ऐसा शिव जी को कभी लगता नहीं। वो पहले बोल चुके हैं राम कृपा ते पार्वती, आपको तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जन साधारण में संभवतः शायद ये धारणा बनी हो इसलिए बोलते हैं सगुण नहीं अगुण अगुण नहीं नहीं कछ भेदा। कोई भेद नहीं है और ये केवल मेरा मत नहीं है,
वैदिक धर्म के जितने भी शास्त्र हैं सभी इस बिंदु पर एक ही मत रखते हैं। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा, माने कोई ये नहीं दिखा सकता कि पुराण का मत यह है, वेद का मत यह है, स्मृति का मत यह है। ऐसा कोई समझता हो तो उसको और ठीक से श्रवण करना चाहिए। सारे शास्त्रों का, वैदिक धर्म के सारे शास्त्रों का प्रतिपाद्य एक है, उनके उपदेश में एक वाक्यता है, उनके उपदेश में एक रूपता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रंथ कुछ बोले कोई ग्रंथ कुछ बोले। बोलो गीता का ये मत है, अच्छा, और भागवत का ये मत है, वेल डन, और आपका क्या है? बोले हम दोनों का भेद बताने के लिए आए। कृपा करके अभेद ही रहने दीजिए। सर्वशास्त्रों का प्रतिपाद्य एक है, इस निर्णय पर पहुंच जाना वेदांत में इसी को श्रवण बोलते हैं। वेदांत में श्रवण की परिभाषा यह है, श्रवण माने सुनना नहीं। वो लिखते हैं पंचदशीकार कि श्रवण संपन्न हुआ, इसका लक्षण है कि ये प्रत्यय, ये वृत्ति, ये प्रमा बन गई साधक में कि समस्त शास्त्रों का केवल एक प्रतिपाद्य है। गीता जी में आया श्रुति विप्रति, हाँ आप तो बोल सकेंगे, श्रुति विप्रति अन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रति, श्रुतियों के जो विभिन्न वाक्य हैं उन सब को सुनने के बाद भी जब मति स्थास्यति निश्चला, तब समझना चाहिए अब एक काम पूरा हो गया। तो शिव जी बोलते हैं सुनो माता जी पार्वती जी, ये भेदभाव कि अगुण सगुण अलग है निर्गुण, ये गलती है, इसको फिर सुधारना चाहिए। एक छोटा दृष्टांत देते हैं, जल तत्व तो एक है, उसके दो रूप हैं, एक द्रव रूप में है एक ठोस रूप में है। द्रव रूप में उसका अपना कोई आकार नहीं है, जब वो ठोस हो जाता है तो उसका अपना एक आकार हो जाता है, लेकिन जहां तक परीक्षा करेंगे तो दोनों H2O निकलने वाले हैं। ये नहीं बोल सकते कि बर्फ और गिलास का पानी, तात्विक भेद है। अगुण अरूप अलख अजजोई भगत प्रेम बस सगुण सहोई। आपको याद है मूल रामायण का, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित करिनाना, किस लिए सो केवल भगतन हित लागी। अब देखो उसका विस्तार, जो निर्गुण निराकार विशुद्ध चेतन मात्र सत्ता है वही भक्ति के संदर्भ में हमने निवेदन किया था, संदर्भ सापेक्ष और संदर्भ निरपेक्ष। दृष्टांत था कि जैसे पुत्र के संदर्भ में एक व्यक्ति पिता कहलाता है, लेकिन पुत्र हट जाए तो उसको पिता नहीं बोलेंगे, वो व्यक्ति है अपनी जगह पर है। इसी तरह से भिन्न भिन्न संदर्भों में ब्रह्म सत्ता का एक नाम होगा, लेकिन जब संदर्भ हट जाते हैं तो उसमें किसी भी गुण की बात नहीं कर सकते, किसी नाम की बात नहीं कर सकते। वही व्यक्ति जो पिता कहलाता था, संदर्भ हट जाने के बाद
अब पिता नहीं कहलाता। वही व्यक्ति जो भाई के संदर्भ में भाई कहला रहा था, भाई के चले जाने पर अब उसी को भाई नहीं बोल सकते, अब वो व्यक्ति है। भक्त के संदर्भ में वही सत्ता जिसको सगुण ब्रह्म कह रहे थे, भक्ति के संदर्भ के बिना अब उसको निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं। बोलते हैं भगत प्रेम बस सगुण सो होई, कैसे दृष्टांत दिया है, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल और हिम ये दो तत्वतः अलग नहीं है लेकिन अपरेंट अलगाव दिखाई देता है। एक का व्यवहार है बहना, उसका अपना कोई आकार नहीं है, उसको आप पी सकते हो। बर्फ का अपना एक आकार हो गया, अब उसको गिलास में डालेंगे, अगर वो बड़ा हुआ तो आएगा नहीं। ये दृष्टांत है। फिर प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया भगवान शंकर ने, बोले वो जिस सत्ता को हम ईश्वर बोलते हैं, राम बोलते हैं, वो कौन है? सच्चिदानंद। अस्तित्व जो चेतन है, चेतना जो सुख रूप है, थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। अस्तित्व या तो जड़ होगा या चेतन होगा, चॉइस केवल इतनी ही है। अस्तित्व है तो या तो वो जड़ होगा या तो वो चेतन होगा। जिसको हम राम बोलते हैं वो कैसे हैं? बोले वह अस्तित्व जो चेतन है, और उस चेतना का स्वाद कैसा है? बोले सुख आनंद। ये तीन हिस्से नहीं है उसके, चिन्मय अस्तित्व, आनंद रूप चिन्मयता, ऐसी जो सत्ता है, चिन्मय अस्तित्व और आनंद रूप चिन्मयता, दुख रूप चिन्मयता नहीं है। चिन्मयता में एक एक स्वाद है, रसविहीनता नहीं है, रसमयी चिन्मयता है। इसको हमारे अभिनव गुप्ताचार्य जी कश्मीर शैव दर्शन के आचार्य हुए तो बोलते हैं, वो बात तो वेदांत की करते हैं लेकिन दार्शनिक लोग कभी कभी भेद भी करते हैं। वो कहते हैं अद्वैत तत्व है वो, लेकिन निष्क्रिय नहीं है, डायनेमिक है, ऐसे शब्द बोल देते हैं अंग्रेजी में लोग। उसमें अपने आप में एक बड़ी क्रीड़ा है। असल में शब्द आया उपनिषद से, आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। माने नीरसता नहीं है, कहना ये चाहते हैं कि वह चिन्मयता रसविहीन नहीं है, वह चिन्मयता रसीली है, इसलिए उसको आनंद बोलते हैं। सच्चित आनंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तो सूर्य की तरह सहज प्रकाशमान है, उस पर बादल आता नहीं, बादल तुम्हारी आंखों पर आता है। बुद्धि पर समझ और ना समझ का आना जाना होता है, बुद्धि में ना समझी थी, बुद्धि में समझदारी आई, प्रभु में न तो ना समझी थी न उनमें समझदारी आई। ये समझदारी वहीं आती है जहां ना समझी हो, ना समझी कहां है? बुद्धि में। तो समझदारी कहां आई? बोले बुद्धि में। ऐसे ही जैसे आंखों के ऊपर बादल आया और आंखों पर से हटा,
ये नहीं कह सकते कि बादल ने सूरज को ढका था और अब सूरज को उसने छोड़ दिया। सूरज इतना बड़ा है, बादल की क्या औकात, ये बोल। तो अपनी बुद्धि पर से नासमझी को हटाओ, ये मत कहो कि भगवान को मोह हो गया। हमारे पद्मपादाचार्य जी महाराज की पंक्तियां गोस्वामी जी ने सीधे उठा ली, पद्मपादाचार्य जी की पंक्तियां। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी निष्प्रभम चाति मूढ़, कैसे जथा गगन घन पटल निहारी झांपे उ भानु। क्या अनुवाद है, वहां लिखा घनच्छन्न मरकम, यहां लिखा झांपे उ भानु। इसलिए मुझे बार बार लगता है कि जितना गहरा अध्ययन होगा उतना गोस्वामी जी आपको प्यारे लगेंगे, लगते जाएंगे। उनकी गहनता दिखाई देती है, अप्रिशिएशन श्रद्धा में बदल जाती है। ऐसा चेतन का कैसे पहचान करें, दूसरा उपदेश ये किया है। बोले देखो, सबसे बाहर विषय हैं, वो तो अपने आप को नहीं जानते, उनको जानने के लिए इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जरा चेतना ज्यादा है, ठीक। फिर इंद्रियों के पीछे मन है, बोले मन में चेतना और ज्यादा है, और मन के पीछे मेरा प्रभु बैठा है, वो असली चेतन है। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। तो दृष्टा का, दृष्टा की खोज करो तो चेतन रूप प्रभु मिल जाएंगे। साफ शब्दों में कहा राम अनादि अवधपति सोई, सोई ये शब्द बोलते हैं, वही है, कोई और नहीं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति, सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान सहज प्रकाश रूप हैं। वहां ज्ञान का बिहान नहीं होता, ज्ञान का आरंभ नहीं होता, सदा ज्ञान स्वरूप ही है, वो चेतन स्वरूप ही है। जगत से क्या रिश्ता है भगवान का, तीसरे दोहे में ये बात कही, जगत से भगवान की रिश्तेदारी। बोले भगवान जगत के बनाने वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ जगत कोई कृति नहीं है, जगत अभिव्यक्ति है। इट इज नॉट अ क्रिएशन, इट इज अ मैनिफेस्टेशन। और इसलिए हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अदर रिलीजन एंड वैदिक धर्म, इसको ध्यान में रखना चाहिए। एवरीवन बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज अ क्रिएशन एंड समबडी हैज क्रिएटेड। वैदिक धर्म से द वर्ल्ड हैज बीन ऑलवेज देयर, कभी वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है, कभी मैनिफेस्ट होता है। सो वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन नॉट इन क्रिएशन। ये प्रलय है, उद्भव है, प्रलय है फिर उद्भव है। जब पहले से है तो उसको बनाने वाले की क्या जरूरत है। संध्या जब हिंदू लोग करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, यथा पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्वम, जैसा पूर्व कल्प में था वैसी ही फिर से परिकल्पना हुई।
सो इसलिए हमारे ईश्वर को 6 दिन में सृष्टि बनाने के बाद आराम नहीं करना होता, यू नो। क्रिश्चियनिटी में ये बात कही गई कि सृष्टि को 6 दिन में प्रभु ने बनाया, 7वें दिन विश्राम किया, एंड दैट वाज हैपन टू बी संडे, सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड हॉलीडे। और इसलिए क्रिश्चियन वर्ल्ड में संडे को काम करना धर्म विरुद्ध है, और चूंकि उनका शासन रहा पूरी दुनिया में, हाँ, इसलिए पूरी दुनिया में रविवार विश्राम का दिन है भाई। अब जिन्होंने शासन किया वो अपना रीति रिवाज तो लगाएंगे। वैदिक धर्म में जगत का प्रभु से क्या रिश्ता है? ये तो इतनी गंभीर चौपाई है, लेकिन मैं बोल देता हूं केवल। क्या बोले? रजत सीप मह भास जिमी, जैसे सीप में चांदी भासती है, वहां चांदी होती नहीं केवल सीप होता है। जथा भानुकर वारी, जैसे किरणों में जल भासता है, वास्तव में वहां किरण होती है, जल नहीं होता। जदपि मृषा तिहुं काल सोई, तीनों काल में वहां पानी नहीं है, तीनों काल में वहां चांदी नहीं है, फिर भी भ्रम जब होता है तो दिखाई देता है कि वहां पानी लहरा रहा है। ये रामायण की सुनहरी पंक्ति है, लिखते हैं यही विधि, अंडरलाइन कर लेना इसको, यही विधि जग हरि आश्रित रही। जगत और प्रभु में आश्रय आश्रित संबंध है, कर्ता कृति संबंध नहीं है। मैं दोहराऊंगा, हम लोग वैदिक हैं, हमको जानना भी चाहिए वैदिक धर्म की मूल मान्यताएं क्या हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, आई एम हियर टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू हिंदुइज्म, बिकॉज टुडे वी आर हिंदू बाई चांस। ऐसे होते मौलिक जो मान्यताएं हैं वो तो जानना है। वैदिक धर्म में प्रभु का जगत के साथ संबंध कर्ता कृति का नहीं, आश्रय आश्रित का है। प्रभु आश्रय है, जगत आश्रित है। जगत वहीं से निकलता है और महाप्रलय में वहीं जाके विश्राम करता है। अपने भीतर देखो, वृत्तियां जहां से निकलती हैं वहीं समा जाती हैं। थॉट्स जहां से निकलते हैं वहीं जाके समा जाते हैं। उत्पत्ति और लय स्थान भीतर ही है। लहर जहां से उठती है वहीं समाती है। चिन्मय सत्ता, चेतन सत्ता ऐसी है। यही विधि जग हरि आश्रित रही। क्या कह गए गोस्वामी जी? कि जैसे वहां जल नहीं है केवल सूर्य किरणें हैं, वैसे ही यहां वास्तव में जगत नहीं है, केवल चेतन सत्ता है। केवल चेतन सत्ता है, जगत सत्ता वास्तव में है ही नहीं। दिस इज वन ऑफ द हाइएस्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट द वेदास यूज टू मेक, और इसलिए इसको पचाना एक बड़ा काम है। दिस इज वन ऑफ द टॉप लेवल स्टेटमेंट है ये। जगत सत्ता नहीं है, केवल ईश्वर सत्ता है। लिखा यहां यद्यपि मृषा क्यों काल में,
एक चीज की सावधानी हमको जरूर रखना है कि वी शुड नॉट रिजेक्ट द थिंग, जो कहा गया उसको मान लीजिए, जब समझ में आएगा आएगा, चूंकि हमको नहीं समझ में आता है इसलिए फिर हम सच को टेढ़ा करते हैं, वो भयानक है, उसको हम बदलना चाहते हैं स्टेटमेंट को, वो गलती है। इसका मतलब है कि शास्त्र को झूठा कर दिया हमने और हम ऊपर चले गए। दैट शुड नेवर हैपन, ये कभी नहीं होना चाहिए। जब समझ में आएगा आएगा, बट इतना श्रद्धा तो रखना चाहिए कि हमारे शास्त्र ऐसा ही बोलते हैं, सो होगा ऐसा ही, आज मुझे समझ में आता है या नहीं आता है वो एक दूसरी बात। तो जगत की रिश्तेदारी बताई। अब अंत में पार्वती जी अपना अनुभव सुनाती हैं। मैंने बहुत संक्षेप किया है, आप फिर से पढ़ना, गहरा ये प्रसंग है। इसको हम लोग नाम देते हैं, तो नाम देते हैं शिव गीता, क्योंकि शिव जी ने गाया इसलिए शिव गीता। आखिरी में 120वें दोहे में माता जी अपना अनुभव सुनाती हैं। पहले तो उन्होंने कहा, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। मने जैसे गीता में कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, वैसे पार्वती जी ने यहाँ पर कहा कि मेरा कोई संशय अब बचा नहीं है, तुम कृपाल, मिला होगा पंक्ति, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, हे कृपालु मेरे सारे संशय को आपने हरण कर लिया, अब राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ, राम जी का क्या स्वरूप है अब मुझे मालूम पड़ता है। शिव जी ने पूछा क्या मालूम पड़ा तुमको, और महाराज शिष्य हो तो ऐसा हो, जो बात उन्होंने चार दोहों में कही शिव जी ने, माता जी ने एक पंक्ति में कही। प्रणाम करने का मन होता है, एक पंक्ति में कही, अंडरलाइन कर लेना, राम ब्रह्म। प्रश्न क्या था, जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, अब ज्ञान ये हुआ है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, ये उनकी बिल्कुल समझ का सार है। बोले मैं ऐसा समझ पाई हूं कि राम ब्रह्म सत्ता का नाम है, वो किसी सीमित सत्ता का नाम नहीं है, और वो जड़ सत्ता नहीं है, चिन्मय सत्ता है, चेतन सत्ता है, वो विनाशी सत्ता नहीं है, वो अविनाशी सत्ता है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित, यही है अगुण सगुण, जब कोई नहीं है तो निर्गुण, और नहीं तो भाई बंद करिए, सर्वरहित। और कोई केवल यही समझता हो कि वो सर्वरहित है तो वह अधूरा है, सगुण को भी संदर्भ सहित भी जानना है, संदर्भ रहित भी जानना है, सर्वरहित। और फिर बोलती हैं सब उर पुर वासी, वो सभी के हृदयों का निवासी है, और उनकी ओर से देखा जाए तो उनके अलावा कोई है नहीं, ऐसा मैंने समझा प्रभु। अब मुझे ये पूछना है कि ऐसी जो चिन्मयी सत्ता है उसने देह धारण क्यों किया, उसने अवतार क्यों लिया, ये प्रश्न आया। शिव जी ने देखा कि ये पार्वती जी एक अद्भुत शिष्या हैं और बड़ी प्रीति है इनकी कथा में, तो उन्होंने अवतार कथाएं अब आरंभ करी। तो कल मध्यान्ह में हम लोग, है ना, आज प्रस्ताव था कि भगवान का अवतार हो,
फिर मैंने कहा भाई देखो, उत्सव के अनुसार कथा नहीं चलेगी, कथा के अनुसार उत्सव होगा। तो मामला सीधा ऐसा होना चाहिए। हमारे सारे बैठे हैं कार्यकर्ता लोग, इनको हम तंग बहुत करते हैं। कल मैं किसी से कह रहा था कि किसी को रास्ते में चलते हुए लगाम मिल गई, वो घर गए, बोले अब तो घोड़ा खरीदना पड़ेगा। तो बोले क्यों भाई? बोले क्योंकि लगाम मिल गई, तो लगाम की वजह से घोड़ा नहीं खरीदा जाता। तो माने ये है कि मुख्य के हिसाब से गौण चलना चाहिए। तो आज बड़ा व्यवस्था में हमने गड़बड़ी पैदा करी है, तो कोई बात नहीं, अब साधु लोग वैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ करते ही हैं। तो कल मध्यान्ह काल में फिर महेश जी ने हमको सपोर्ट किया, हाँ जबरदस्त। उन्होंने कहा भाई रात को तो जन्म हुआ ही नहीं था। जन्म तो दोपहर को हुआ। तो कल प्रभु राम का मध्यान्ह काल में जन्म कथा होगी। शिव जी ने अवतार कथा को, अवतार कथा आरंभ कर दी है, कल करेंगे चर्चा। आप लोग बैठे रहना, पूर्ण मद हो जाए तब जाना, इतनी मर्यादा जरूर पालन करनी चाहिए। आरती करेंगे और गाइएगा। और मेरा एक निवेदन और है, वो ये है कि जो लोग रामायण नहीं ला रहे हैं वो पोथी लेके आया करें। तो उसमें फिर चौपाइयाँ जब हम गाते हैं ना, तो आप समझते हो इस भवन का एक वातावरण निर्माण होता है, और वो वातावरण केवल भवन में नहीं रहता होगा, मेरे ख्याल से कानपुर में फैलता भी होगा। जो सात्विक वातावरण है उसका प्रभाव बढ़ना ही चाहिए। दुनिया भर की आलतू फालतू चीजें आसमान में गूंजती रहती हैं, हैं? गोस्वामी जी की चौपाइयां क्यों न गूंजे। हाँ, प्रेम से गाइए, आरती दोहराइएगा। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीरति कलित ललित प्रिय आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाबा वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुकसन कादिशेषयरुशारद, हरणि पवन सुत कीरतिनी की, हरणि पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी की, आरती
गाव तब द पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभ भवानी गावत संतत शंभ भवानी अरुभत संत भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुण के आरती श्री रामायण जी की कलिमल सिंगार मूर्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की आत्मात सब विधि तुलसी की आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति कीरति कलित ललित आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की।
बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओ नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो